बुलडोजर जब चलता है तो अवैध निर्माण करने वाले लोगों की सांसें थम सी जाती हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अवैध कब्जा और अवैध निर्माण करना गैर कानूनी है। गुरुग्राम में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर लगातार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से कार्रवाई तो की ही जा रही है, लेकिन बुलडोजर चढ़ाने के बाद अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ डीटीपी विभाग की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पूरी तरह से हरकत में है। गुरुग्राम के सरस्वती कुंज में 15,000 अवैध झुग्गियों को पूरी तरह से हटाया गया। ऐसे है, सोना डेवलपमेंट प्लान में किरंकी गांव और ऐसे कुछ गांव थे जहां पर फार्म हाउसेस इलीगली डेवलप हो रहे थे, तो हमने पीछे 150-200 एकड़ पर कार्रवाई की थी, और उसके बाद जो है जिस बंदे ने वो काटे और आगे काट कर लोगों को फार्म हाउस बनाने के लिए बेचे, उनके अगेंस्ट हमने मामला दर्ज करवाया। और फार्म हाउसेस क्योंकि इलीगली डेवलप थे और हमारे एक्ट 1975 की वायलेशन थी, उस एक्ट में प्रावधान। गौर करने वाली बात यह है कि गोल्ड किस्ट कंपनी के मालिक हरिदास गुप्ता के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से शिकायत देकर मामला दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर डीटीपी ने हरिदास गुप्ता समेत उनकी पत्नी और साले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल हरिदास गुप्ता ने लोगों को फार्म हाउस की जमीन रजिस्टर्ड बताकर एग्रीकल्चर लैंड बेच डाली। लोगों को इस बारे में जब मालूम हुआ तो उसके बाद डीटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से अब मुकदमे दर्ज कराया गया है। ये हमारे साथ तो बहुत मेजर धोखा हुआ है, क्योंकि अपने आप को सिंगापुर के बड़े रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड डेवलपर बता के हरिदास गुप्ता जी, इन्होंने कंपनी है गोल्ड किस्ट के नाम से, जिसके नाम से इन्होंने हमें ब्रोशर और कैटलॉग दिखा के इन्होंने हमारे को फार्म हाउस की पूरी स्कीम बेची, समझाया कि जी हम बड़े क्लियर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमने उस धोखा के अंदर में आके फंस गए हम इनके साथ, और हमने वहाँ पे फार्म ले लिया, हमने लिया और बड़े सारे लोगों ने वहाँ पे लिया। लेकिन उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और वहाँ पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, तो हमें समझ नहीं आई कि हमारे साथ क्या हुआ। फिर हमने जाके डीटीपी को कंप्लेंट करी कि हमने कहा जी आप देखो वहाँ पे पूरी सड़कें बना के, पाम ट्रीज लगा के, लाइटें वगैरह लगा के, सारी चीज़ करके इन्होंने हमारे को रजिस्ट्रियाँ करी हैं, रजिस्ट्री में इन्होंने पूरा हमारे को सड़कों का नक्शा और सारी चीज़ करके इन्होंने करके बताया है, और उसके बाद आप लोगों का एक्शन है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस प्रॉपर एक्शन ले, डिपार्टमेंट पूरा इसके ऊपर में अपना शिकंजा कसे, ताकि कोई भी और जना इनकी इन तरह के षड्यंत्रों के अंदर में ना फंसे, और जैसे हम भुगत रहे हैं वैसे ना भुगते। हमारी डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके ऊपर में पूरा एक्शन लें, और हमारे को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा तैयार की गई लिस्ट के बाद अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। डीटीपी ने साफ कर दिया है कि तोड़फोड़ के बाद अब ऐसे लोग जो अवैध तरीके से कॉलोनी बसा रहे हैं या फिर फार्म हाउस काट रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।